तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रेसिपी लेकर। हेलो फ्रेंड्स, 5 मिनट रेसिपी विद शालू में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होली के स्पेशल अवसर पर आज मैं आपके लिए लाई हूँ होली की स्पेशल गुजिया। मावे की गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मैदा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ली है और यहाँ पर मैं मैदा में एक फिंगर से अपनी होल करूँगी और उसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून मैं ऑयल की ऐड करूँगी। तो ऑयल आप देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल या फिर जो भी आप ऑयल कोई भी आप ऐड करना चाहें वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑयल की क्वांटिटी इसमें यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो ऑयल 3 बड़े चम्मच ऑयल इसमें काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर आप इसमें ऑयल ऐड कर देंगे तो जो हमारी गुजिया हैं वो काफ़ी यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएंगी और वो खाने में टेस्टी नहीं लगेंगी और उनके टूटने का भी डर रहेगा जब आप उनको फ्राई करेंगे। आटे में घी या फिर मोन डालने की एक और पहचान होती है कि जब हम आटे को बाइंड करते हैं तो जो हमारी मुट्ठी है वो उसमें बंध जाए। ये देखिए, मैं आपको आगे इसमें कर दिखा रही हूँ यहाँ पर कि ये देखिए इस तरह से हमारी इसमें मुट्ठी बंध जानी चाहिए। तो हमारा जो मोन है इसमें बिल्कुल परफेक्ट है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक डो बना लेंगे। तो डो को भी यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मठरी वाला आटा यहाँ पर हम नहीं तैयार करेंगे। थोड़ा पूरी वाला आटा हम इसमें, पूरी से थोड़ा सा टाइट आटा हम इसमें लेंगे। तो अब आप यहाँ से पर देख सकते हैं कि जो डो हमारा है वो एकदम तैयार हो गया है और अब हम इसको 15 से 20 से 25 मिनट तक एक साइड पर इसको ढककर रख देंगे और इतने हम अपनी यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लेंगे जो कि हमें गुंजियों के लिए ज़रूरत है। तो गुंजियों की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैं 2 बड़े चम्मच सूजी यहाँ पर ऐड करूँगी जैसे हमारा पैन गर्म हो जाएगा। सूजी को अपनी स्टफिंग में ऐड करने का एक खास कारण है और वो ये है कि अपनी स्टफिंग में सूजी ऐड करने से वो काफ़ी ड्राई फॉर्म में हो जाती है और जिससे कि हमको गुंजियों में उसको भरने में काफ़ी आसानी रहती है और हमारी गुंजियाँ फटती भी नहीं है और एक बढ़िया सा इसमें करारा सा गुंजियों का टेस्ट इसमें आता है। तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी ली है और वो मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा हमें सूजी को हम यहाँ पर रोस्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर हम उसको ब्राउन इसमें नहीं करेंगे। तो सूजी को मैंने भून लिया है और एक प्लेट में उसको निकाल लिया है और इतने अब दोबारा से मैंने सेम पैन यहाँ पर रख दिया है क्लीन करके और उसके बाद हम इसमें जो आगे के ड्राई फ्रूट्स और मावा वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पर मैंने मावा लिया है, तो ये मैंने मावा घर पर ही बनाया है और इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो दूध लिया था और दूध को मैंने कम से कम 1.5 घंटे तक गैस पर इसको पकाया है और पकाने के बाद ये देखिए इस फॉर्म में हमारा मावा जो है बनकर तैयार है। उसको मैंने बीच बीच में चलाया, चलाते चलाते कि हमारा काफ़ी जो है ठंडा होने के बाद ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसको जब हीट करूँगी तो फिर से ये मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी भी ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी देसी घी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो मार्केट का बना हुआ मावा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप मावे को अच्छे से भून लें। तो मेरा तो मावा चूंकि भुना हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इसको नहीं भुना है और देखिए इस तरह से इसको प्रेस कर मैं ये जो मावा है मेरा इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। और अब ये यहाँ पर मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है यानी कि नारियल का बुरादा, तो वो मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नारियल का बुरादा डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया नारियल का फ्लेवर आ जाता है। और इसी के साथ अब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास तो वो भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये काजू है मेरे पास, तो ये टुटुआ काजू हैं, मार्केट में 2 तरह से मिलते हैं, साबुत काजू भी मिलते हैं और टूटे हुए काजू भी मिलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये टूटे हुए काजू लिए हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये खरबूजे के बीज हैं यानी मगज जिनको बोला जाता है, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें तरबूज के बीज अगर आपको मिल पाते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ ये मेरे पास पिस्ता है, तो ये ग्रीन वाला पिस्ता है, 2 तरह का पिस्ता मिलता है, एक नमकीन और एक ये मिठाई में डालने वाला। तो मैंने ग्रीन वाला पिस्ता यहाँ पर इसको मैंने हल्का सा दरदरा यहाँ पर इसको कर लिया था और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मैं यहाँ पर साथ साथ मिक्स भी करती जा रही हूँ। और अब ये जो रोस्टेड सूजी थी हमारे पास 2 चम्मच के करीब, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ज़्यादा सूजी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे वरना फिर सूजी का बहुत ज़्यादा टेस्ट इसमें आ जाएगा। और साथ साथ कुछ मेरे पास किशमिश भी थी तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। किशमिश डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है। जो भी ड्राई फ्रूट हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, अगर कोई भी एक आध आपके पास नहीं है तो भी हमारा चलेगा ये। और अब जो हमारा मिक्सचर है इसको हम ठंडा कर लेंगे
और ठंडा करने के बाद हम यहाँ पर इसमें ये जो शुगर है मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच शुगर ली है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम एक बार अपनी जो शुगर है उसको डालने के बाद उसको हल्का सा टेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट में मैंने यहाँ पर भी खुद भी मैंने टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद मेरे को हल्की सी चीनी यहाँ पर कम लग रही है, तो उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी इसमें और ऐड की है। तो ये वही पीसी हुई चीनी है। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने लिया है, तो वो भी मैंने इसमें बढ़िया से एक इलायची के फ्लेवर के लिए मैंने उसको ऐड किया है, और उसको भी फिर से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमारी स्टफिंग यहाँ पर बनकर तैयार है, तो अब आगे का प्रोसेस करेंगे जिसके लिए हमें गुजिया यहाँ पर बनानी है। तो ये जो हमारा आटा था आधे घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया है, काफ़ी स्मूथ हमारा डो हो गया है। थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाकर फिर से हम इसको स्मूथ और बना लेंगे। और अब हम इसके पेड़े काटेंगे, और अब जो हम यहाँ पर अपनी लोई को बेलकर तैयार करेंगे, तो उसका हमारा साइज़ इतना होना चाहिए कि जितना कि हमारा गुजिया का सांचा है उससे कुछ हमारा साइज़ बड़ा रहे। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखकर उतनी उस हिसाब से हम यहाँ पर अपनी लोई लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस साइज़ की लोई ली है और ये मैं बेलकर इसको बड़ा कर रही हूँ। प्रॉपर हमें जैसे हम पूरी बनाते हैं उसी फॉर्म में हमको इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा ना तो ये हमारी मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली होनी चाहिए। और अब हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो इससे हमें एक पतला सा घोल बना लेंगे, और वो घोल ये जो हमारी जो हमने ये तैयार किया है गुजिया बनाने का इसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुजिया का ये सांचा लिया है, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है गुजिया का सांचा, और ये जो मेरी मैंने बेली थी उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और साइडों में अब ये जो हमने मैदा का सॉल्यूशन मैंने बनाया था वो मैं साइड साइड पर इसको लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, जो हमारी गुजिया है वो आपस में अच्छे से चिपक जाएंगी। और हल्का सा मैंने इसको फोल्ड किया है, और फोल्ड करके मैंने 1 से 1.25 चम्मच इसमें जो हमारे पास स्टफिंग हमने बनाई है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा हमारा आटे का पोर्शन है वो मैंने इसके निकाल दिया है, और वो हम दूसरी जब हम गुजिया बनाएंगे तो उसमें हम इसको लगा लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी गुजिया सांचे में से निकलकर बिल्कुल आराम से हम इसको हल्के हाथ से अंदर से निकालना है। थोड़ा सा हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारी गुंजिया है वो कहीं से भी फटे ना। अगर गुंजिया फट गई तो जो हमारा प्रोसेस है वो सारा, जो हमारी स्टफिंग है वो सारी निकल जाएगी और घी हमारा सारा ख़राब हो जाएगा और सारी गुंजिया भी हमारी बेकार हो जाएगी। तो ये एक दो चीज़ का हमको यहाँ पर गुंजिया बनाते हुए ध्यान रखना है। तो सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर फिर से अप्लाई कर रही हूँ। तो ये मैंने गुंजिये के सांचे के ऊपर ये देखिए थोड़ा सा बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पर अपनी जो लोई है उसको बनाया है, और ये साइडों में मैं फिर से जो मैदा का सॉल्यूशन है उसको मैं लगा रही हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर मैदा नहीं लेते, खाली पानी भी इसमें लगाते हैं, पर मैदा लगाने से थोड़ा सा और ये अच्छे से चिपक जाता है। हल्का सा अपने सांचे को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, और ये देखिए बीच में इस तरह से हमें इसको स्टफिंग को यहाँ पर भर देना है और साइडों से अच्छे से इसको दबा देना है, और एक्स्ट्रा पार्ट फिर से हम एक तरफ निकाल देंगे। और ये हमारी गुंजिया सांचे में से निकल कर बढ़िया एकदम साइज़ की देखिए बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरी 1 कप मैदा से 11 गुजिया बनकर यहाँ पर तैयार हुई हैं। तो मेरा जो सांचा है थोड़ा सा छोटे साइज़ का है, तो आप चाहें अगर बड़ा सांचा ले रहे हैं तो आप बढ़िया आप लोई बनाएंगे और बड़ी गुजिया आपकी तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने हीट करने के लिए ऑयल ले लिया है, ऑयल को क्योंकि हमें अब यहाँ पर गुजिया को फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक बार चेक करूँगी अपने ऑयल को। तो हल्के से मैंने मैदा का एक टुकड़ा लिया और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो यहाँ पर रेडी हो गया है, और अब मैं गुजिया 1 by 1 लूँगी और वो इसमें डालती जाऊँगी। तो एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि गुजिया बनाते हुए जो आप कढ़ाई लें या फिर पैन लें वो थोड़े चौड़े पैंदे का लें, तो इससे क्या होगा हमारी जो गुजिया है वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगी नहीं और गुजिया हमारी टूटेंगी नहीं। तो ये एक दो बातों का इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। और ये गैस को अपनी जो फ्लेम है उसको अपनी यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा सिम भी हम इसमें यहाँ पर नहीं रखेंगे। अगर हमारी फ्लेम तेज़ हुई यहाँ पर ज़्यादा है तो फिर जो हमारी गुंजिया है वो एकदम से ऊपर से नीचे से जल जाएगी और अंदर से सिक नहीं पाएगी, तो कच्ची रह जाएगी, तो वो भी टेस्टी नहीं लगेगी। और अब यहाँ पर हल्के हाथ से अलट पलट कर हम गुंजियों को अपनी दोनों साइड से सेक लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल इस तरह से आप ये देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आप ऊपर से डाल दें, ये हमारी गुंजिया जो है ऊपर से भी आराम से सिक जाती हैं। तो इस तरह से सेक के हमारी जो गुजिया है मीडियम फ्लेम पर तैयार हो जाएंगी। थोड़ा सा हम इसको अभी और ब्राउन करेंगे और उसके बाद हमारी गुजिया एकदम तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, होली के इस अवसर पर ये गुजिया
अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को खिलाइए और खाइए और फिर मुझको बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे बताए हुए टिप्स और ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ये गुंजिया आपकी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगी जैसे कि मेरी बनी है, और सेम ऐसे ही टेस्टी भी ये आपको बनेगी। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी और एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।